नमस्कार, मैं हुशवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 26 अक्टूबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी ने 106 रिक्तियों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। राज्य में कृषि विश्वविद्यालय खोलने की संभावनाओं को तलाश रही सरकार। सरकार ने रेल मंत्रालय से स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग। हार्दिक के बिना नीदरलैंड के खिलाफ उतर सकती है टीम इंडिया। प्रदेश में मौसम रहेगा साफ। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी ने 106 रिक्तियों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी ने असिस्टेंट आर्किटेक्ट के कुल मिलाकर 106 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को बैचलर डिग्री विद आर्किटेक्चर पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 नवंबर 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। राज्य में कृषि विश्वविद्यालय खोलने की संभावनाओं को तलाश रही सरकार। कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार नए कृषि महाविद्यालयों की स्थापना करेगी। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने इसकी संभावनाओं को तलाशने का निर्देश दिया है। कृषि मंत्री का मानना है कि जिस राज्य की अर्थव्यवस्था सबसे अधिक कृषि पर आधारित है, ऐसे में 1.5 करोड़ से अधिक किसानों की संख्या वाले राज्य में कृषि शिक्षा को जन जन तक पहुँचाएं। बिना कृषि आधारित राज्य की तरक्की नहीं हो सकती है। इसी को लेकर राज्य में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा। यही नहीं, जरूरत के हिसाब से कृषि के क्षेत्र में नए महाविद्यालय खोले जाएंगे। खेती किसानी की पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था में बदलाव को लेकर तेजी से पहल की जा रही है। आपको बताते चले कि 2021-22 के बजट में सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान किया था। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सुहासिनी मूले की। सुहासिनी मूले बॉलीवुड, मराठी और असमी फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन में एक भारतीय अभिनेत्री हैं। उन्होंने गुलजार की फिल्म हू तू तू में अपने प्रदर्शन के लिए 1999 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। सुहासिनी का जन्म पटना के एक मराठी भाषी परिवार में हुआ था, जहाँ उन्होंने अपने बचपन का शुरुआती हिस्सा बिताया था। उन्होंने अपने पिता को खो दिया जब वह केवल 3 साल की थी और उनकी माँ प्रसिद्ध वृत्त चित्र फिल्म निर्माता और फिल्म इतिहासकार विजय मूले द्वारा लाया गया था। सुहासिनी अपनी मां की वजह से फिल्म की ओर आकर्षित हुई। मूले लंबे लिव इन रिलेशनशिप में थी और जो 1990 में खत्म हो गया था। 16 जनवरी 2011 को आर्य समाज में एक भौतिकी विज्ञानी प्रोफेसर अतुल गुड्डू से उनका विवाह हुआ। सुहासिनी मूले का जन्म 20 नवंबर 1950 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। आज मनाई जा रही है गोवर्धन पूजा। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है और यह त्यौहार दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस साल यह तिथि 25 अक्टूबर को सुबह 6:48 पर शुरू हो जाएगा और 26 अक्टूबर को सुबह 5:12 तक समाप्त होगी। लेकिन 25 अक्टूबर को दोपहर सूर्य ग्रहण लगने की वजह से गोवर्धन पूजा 25 की बजाय 26 अक्टूबर यानी आज होगी, क्योंकि सूतक काल में कोई पूजा पाठ नहीं किया जाता है। इस वजह से 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा के लिए सुबह 7:29 से लेकर सुबह 9:39 तक शुभ मुहूर्त है। लेकिन आमतौर पर गोवर्धन पूजा शाम के समय की जाती है और पंचांग के अनुसार शाम को 4:08 से लेकर शाम 6:18 तक पूजा के लिए बेहद ही शुभ समय है। वहीं आज जो ही भाई दूज का त्यौहार भी मनाया जा रहा है। इस साल 26 अक्टूबर को दोपहर 2:45 से भाई दूज शुरू होकर 27 अक्टूबर को दोपहर 12:45 तक रहेगा, यानी कि ये त्योहार दोनों दिन तक मनाया जा सकेगा। बीपीएससी ने एई परीक्षा 2022 का आंसर की किया जारी। बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई एई परीक्षा 2022 की आंसर की जारी कर दी गई है। जिन्होंने भी बीपीएससी के असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में भाग लिया हो, वे अपने आंसर की बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जो अभ्यर्थी आंसर की के आधार पर परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों या उनके उत्तर को लेकर आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं, वे 4 नवंबर 2022 तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, जिससे आपको ऑफलाइन माध्यम से भेजना होगा। आपत्तियां या सुझाव परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ पटना 801 पर डाक द्वारा भेज सकते हैं।
छठ पूजा के लिए बाजार में सजने लगा बांस का सूप और दौरा। लोग आस्था का महापर्व छठ की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। चार दिनों के इस महापर्व में अब महज दो दिन शेष रह गए हैं। दो दिन के बाद नहाए खाए के साथ इस महापर्व का शुभारंभ हो जाएगा। इससे पहले बाजारों की रौनक दिवाली के पहले से अभी तक बरकरार है। पहले दिवाली के सामानों से और अब छठ के सामानों से राजधानी पटना सहित प्रदेश के अलग अलग जगहों के बाजार छठ के लिए बने बांस के सूप और मिट्टी के दिए सहित अन्य सामानों से सज गए हैं। पंडितों के अनुसार दिवाली के चौथे दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से चार दिवसीय छठ पूजा नहाए खाए के साथ आरंभ होगा और सप्तमी तिथि 31 अक्टूबर को उदयीमान सूर्य को अर्घ देने के साथ इसका समापन किया जाएगा। सरकार ने रेल मंत्रालय से स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग। छठ पूजा को लेकर बिहार आने वाले ट्रेनों में यात्रियों की इतनी भीड़ है कि सभी ट्रेनों में नो रूम की स्थिति बन गई है। इस बीच रेल यात्रियों को राहत देने वाली खबर है कि बिहार सरकार ने रेल मंत्रालय से छठ पर्व में विशेष ट्रेन की संख्या बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से टेलीफोन पर बात की है और विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया है। प्रदेश में मौसम रहेगा साफ। बिहार में मौसम का मिजाज धीरे धीरे बदल रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान सितरन का असर बिहार पर कुछ खास नहीं दिखा। अभी भी सुबह के तापमान में गिरावट के साथ सिहरन महसूस हो रही है। वहीं दिन चढ़ते ही कड़क धूप के साथ गर्मी भी बढ़ जाती है। फिर शाम में तापमान गिरने के साथ मौसम में ठंडापन महसूस होने लगता है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने हाल में कोई चेतावनी जारी नहीं की है। इस दौरान राज्य में मौसम साफ रहेगा और छठ के दौरान भी कुछ खास ठंड महसूस नहीं किया जा सकेगा। डेढ़ दशक बाद पाकिस्तान की जेल में सजा काट अपने घर लौटा श्याम सुंदर। पाकिस्तान की जेल में 17 साल सजा काट कर बिहार का श्याम सुंदर दास जब दीपावली पर पहुंचा तो घर वालों की खुशी उनके चेहरे पर देखी जा सकती थी। दरअसल सुपौल जिले के प्रतापगंज के रहने वाले श्याम सुंदर ने बरसों बाद अपने घर वालों के साथ दिवाली मनाई। यह पंजाब में काम करने गए थे और फिर भटक कर बॉर्डर पार कर गए थे। बताया गया कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से उन्हें 17 साल पाकिस्तान की जेल में काट पड़े। पाकिस्तान की पुलिस ने उन्हें बगैर कागजात के घूमते हुए पकड़ लिया और फिर न्यायिक हिरासत में रखा, जिसके बाद अब दिवाली की वापस अपने घर लौट आए हैं। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में बच्चों ने एडवांस लेंस से देखा सूर्य ग्रहण। बीते दिन साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण देखने को मिला। राजधानी पटना में शाम 4:42 से 5:13 तक ग्रहण लगा रहा। इस बीच श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र घूमने आए बच्चों ने छत पर से ही सूर्य ग्रहण को देखा। सभी बच्चों को छत पर ले जाया गया, फिर उन्हें विशेष लेंस के माध्यम से सूर्य ग्रहण दिखाया गया। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र घूमने आए बच्चों ने बताया कि उनके लिए यह अनुभव बेहद अच्छा रहा। पटना में सूर्य ग्रहण 31 मिनट तक देखा गया। हजारों वर्षों के बाद दीपावली और गोवर्धन पूजा के बीच सूर्य ग्रहण का संयोग बना। पंथ पाकर इस वजह से है बेहद खास। पंथ पाकर सीतामढ़ी जिले से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम से विवाह के बाद माता सीता को पालकी में बैठाकर इसी मार्ग से अयोध्या ले जाया गया था। यहाँ एक पुराना बरगद का वृक्ष है जहाँ उन्होंने अयोध्या जाते वक्त कुछ देर विश्राम किया था। इस स्थान पर एक पाकर का वृक्ष भी है जिसके चारों ओर विकसित एक अद्भुत पौराणिक स्थल है। यह वृक्ष विस्मयकारी ढंग से एक विशाल क्षेत्र में फैल गया है जो देखने में काफी रोमांचित करने वाला है। पंथ पाकर को पंडोल के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से VTR भ्रमण का लुत्फ उठा पाएंगे पर्यटक। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व यानी VTR खुलने में देर हो रही है। इसकी वजह नेपाल की तराई क्षेत्रों में हुई भारी बारिश की वजह से VTR के जंगलों में पानी घुसना, साथ ही VTR का वो आदमखोर बाघ भी है जिसने कई लोगों की जान ले ली। इन सबके बीच अब VTR आगामी 1 नवम्बर को खुलने के लिए तैयार है। इसके लिए VTR प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सफारी के लिए रास्ते को दुरुस्त कराया जा रहा है। पर्यटक जंगल सफारी, ई रिक्शा, साइकिल पाथवे समेत इको टूरिज्म का लुत्फ उठा सकेंगे। जंगल सफारी में आप बाघ सहित तेंदुआ, बंदर, लंगूर, हिरण, सांभर, भालू, गौर, जंगली कुत्ता, घड़ियाल, मगरमच्छ, नील गाय, मोर, पहाड़ी बुलबुल, पहाड़ी तोता सहित दर्जनों दुर्लभ प्रजाति के दीदार कर सकते हैं। छठ के दौरान घाटों पर बनेंगे मेडिकल कैंप। दिवाली खत्म होने के बाद अब छठ पूजा की तैयारियों में तेजी आ गई है। राज्य के अमूमन सभी हिस्सों में नदियों और तालाबों किनारे छठ करने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में जुटते हैं। घाटों तालाबों पर भीड़ की वजह से हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है और यही दुर्घटना की आशंका के बीच स्वास्थ्य विभाग ने तमाम जिलों में खास दिशा निर्देश जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की ओर से सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों
को भेजी गाइडलाइन में कहा गया है कि जिन घाटों या नदियों तालाब के किनारे श्रद्धालु एकत्र होते हैं वहां विशेष रूप से मेडिकल कैंप बनाया जाए। कैंप में 3 पाली में 3-3 डॉक्टर, 6 नर्सों के साथ 1-1 एम्बुलेंस और आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। दूसरी ओर विभाग ने नए सिरे से सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को अपने संस्थान में कम से कम 20 बेड रिजर्व रखने के आदेश भी दिए हैं। इसके अलावा डॉक्टरों की 24 घंटे अस्पतालों में उपस्थिति को भी अनिवार्य किया गया है। साइबर क्राइम थाना खोलने पर होगा फैसला। बढ़ रहे साइबर क्राइम को देखते हुए विशेषज्ञों ने बिहार सरकार को साइबर थाना खोलने का सलाह दिया है। विशेषज्ञों से विचार विमर्श के बाद जिला स्तरीय साइबर क्राइम थाना खोले जाने पर विचार किया गया है। वैसे तो साइबर क्राइम की घटनाओं पर रोक लगाने और इसमें शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कई स्तरों पर काम हो रहा है, लेकिन आए दिन आ रहे मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए जिला स्तर पर एक साइबर क्राइम थाना खोलने का प्रस्ताव है, जिस पर अब फैसला आना बाकी है। फिलहाल बिहार में कुल 74 साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया यूनिट का गठन पूर्व में किया जा चुका है। इन यूनिटों में कंप्यूटर विशेषज्ञ के अलावा पुलिस अधिकारी और जवान भी शामिल हैं। राज्य के कुल 45 डीएम और आईएएस का 19 दिसंबर से प्रशिक्षण होगा शुरू। बिहार के 20 जिलों के डीएम समेत 25 आईएएस अधिकारियों को एक साथ प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन सभी के तीसरे चरण का प्रशिक्षण 19 दिसंबर से 13 जनवरी 2023 तक मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में होगा। इस बाबत सामान्य प्रशासन विभाग ने इन सभी आईएएस अधिकारियों को पत्र भेजा है। इन अधिकारियों में कटिहार डीएम उदयन मिश्रा, मुंगेर डीएम नवीन कुमार, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक अमित कुमार, मधुबनी डीएम अरविंद कुमार वर्मा, किशनगंज डीएम श्रीकांत शास्त्री, पश्चिम चंपारण डीएम कुंदन कुमार सहित कुल 20 डीएम और 25 आईएएस शामिल हैं। 1.5 घंटे से ज्यादा ठप रही व्हाट्सएप सेवा मिम्स के आई बाद दुनिया के सबसे लोकप्रिय और मेटा के स्वामित्व वाला मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप की सेवाएं बीते दिन मंगलवार दोपहर अचानक ठप पड़ गई। व्हाट्सएप डाउन होने का असर इसके करोड़ों यूजर्स पर पड़ा और सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में व्हाट्सएप यूजर्स एक दूसरे को मैसेज नहीं कर पा रहे थे। लंबे इंतजार के बाद अब यूजर्स पहले की तरह चैटिंग कर सकते हैं और व्हाट्सएप की सेवाएं रिस्टोर हो चुकी हैं। लेकिन इस बीच बाकी के सोशल मीडिया ऐप पर मीम्स की बाढ़ आ गई। लोग व्हाट्सएप डाउन होने पर जितनी परेशानी महसूस की उससे ज्यादा इस पल के मजे भी लिए। यहां तक कि राजनीतिक गलियारों में तो आम आदमी पार्टी के नेता ने इसका जिम्मेवार बीजेपी को ही ठहरा दिया। डेंगू को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की समीक्षा बैठक। बिहार में डेंगू का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने डेंगू की रोकथाम के लिए अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश देते हुए कहा कि अस्पतालों में बेडों की संख्या और बढ़ाएं ताकि पर्याप्त मात्रा में बेड उपलब्ध रहें और मरीजों को इलाज में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। इसके साथ ही सीएम ने निर्देश दिया कि ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं ताकि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। सभी जगह डेंगू रोधी दवा का छिड़काव नियमित रूप से कराएं। डेंगू रोधी दवा के छिड़काव में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सभी जगह साफ सफाई की पूरी व्यवस्था रखें। कांग्रेस ने नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर की मांग उठाई। बिहार के नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर एक बड़ा मुद्दा बन गया है। जब से इन शिक्षकों का नियोजन हुआ तभी से यह एक ही जगह पर अटके हुए हैं। यह वो नियोजित शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति साल 2005 में की गई थी। 1.5 दशक गुजर जाने के बाद भी इनके ट्रांसफर की कोई सुध नहीं है। बिहार में नीतीश तेजस्वी की नई सरकार के लगभग 2 महीने हो चले और अब तक नियोजित शिक्षकों के तबादले पर कोई फैसला नहीं हो सका है। इन सबके बीच अब कांग्रेस ने इन शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं होने पर सवाल उठाया। कांग्रेस के प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि महिला शिक्षिकाओं का ट्रांसफर होगा, लेकिन ये दिवाली भी महिलाओं की ऐसी ही मनी और छठ भी इसी तरह से मनेगा। कोई ससुराल से दूर तो कोई मायके से दूर पर्व मनाने की विवश है। जदयू का भाजपा और आरएसएस पर पोस्टर वॉर। बिहार की राजनीति में पोस्टर वॉर भी समय समय पर देखने को मिलता है, खासकर जब राजनीतिक पार्टियों को प्रदेशवासियों को त्योहारों की बधाई देनी हो। इस बीच जदयू द्वारा लगाए गए उस पोस्टर पर नजर पड़ी जिसमें प्रदेशवासियों को दिए गए बधाई संदेश के साथ साथ भाजपा और आरएसएस पर खतरनाक वाला पोस्टर हमला किया गया है। दरअसल पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर जदयू द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है कि देश की सरकारी संपत्तियों में दीमक लग चुकी है, इसके आगे कमल जोड़ आरएसएस बराबर, बेच कर जाएंगे पूरी राष्ट्रीय सरकारी संपत्तियां। मतलब साफ है कि जदयू भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधने की कोशिश कर रही है। अप्रत्यक्ष रूप से जदयू का कहना है कि देश को दीमक की तरह धीरे धीरे भाजपा खोखला कर रही है। इस पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित ललन सिंह, अशोक चौधरी और तेजस्वी यादव भी दिख रहे हैं।
हिमाचल में हुंकार भरेंगे मंगल पांडे। हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए भाजपा ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, जिसमें बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का नाम भी शामिल है। मंगल पांडे बिहार भाजपा से इकलौते स्टार प्रचारक चुने गए हैं। बिहार सरकार ने भाजपा के बाहर होने के बाद से बीजेपी ने मंगल पांडे को पहले पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी देते हुए उन्हें वहां का प्रभारी बनाया और अब उन्हें हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक की सूची में रखा है। मंगल पांडे को भाजपा द्वारा सौंपी गई इन जिम्मेदारियों के पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो भाजपा ने पिछले बार हुए हिमाचल प्रदेश के चुनाव में जब विजय प्राप्त की थी, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में मंगल पांडे ही भाजपा के प्रभारी थे। इसके अलावा भी मंगल पांडे ने बिहार भाजपा में अहम भूमिका निभाई है, वो बिहार भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हार्दिक के बिना नीदरलैंड के खिलाफ उतर सकती है टीम इंडिया। भारत बनाम पाकिस्तान पहले T20 वर्ल्ड कप के हाई वोल्टेज मुकाबले के बाद अब भारतीय टीम आगामी 27 अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। इसलिए भारतीय टीम सिडनी पहुंच गई है। सिडनी पहुंचने के बाद खिलाड़ी नेट प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं। नेट प्रैक्टिस के दौरान हार्दिक खिलाड़ियों के साथ नहीं दिखे, ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हार्दिक पांड्या के वर्कलोड को देखते हुए भारतीय टीम पांड्या को रेस्ट दे सकती है। उनकी जगह कप्तान रोहित ऑलराउंडर दीपक हुड्डा को आजमा सकते हैं। बता दें कि 27 अक्टूबर को भारत नीदरलैंड के खिलाफ अपने T20 विश्व के अभियान का दूसरा मैच खेलेगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत में मुगलों का अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर का जन्म 1775 में हुआ। उड़ीसा के प्रसिद्ध समाज सुधारक, साहित्यकार और सार्वजनिक कार्यकर्ता गोदावरी मिश्र का जन्म 1886 में हुआ। स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 1890 में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रसिद्ध नेता तथा उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम प्रकाश गुप्ता का जन्म 1923 में हुआ। भारत में नवगीत विधा के कवियों में से एक ठाकुर प्रसाद सिंह का जन्म 1924 में हुआ। भारतीय साहित्यकार, उपन्यासकार एवं संपादिका हरप्रीति सिंह का जन्म 1971 में हुआ। बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर और मंचूरिया लॉर्ड लिटल द्वितीय का निधन 1947 में हुआ। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक डीवी पलुस्कर का निधन 1955 में हुआ। प्रसिद्ध क्रांतिकारी तथा महात्मा हंसराज के पुत्र बलराज भल्ला का निधन 1956 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध कन्नड़ कवि और साहित्यकार दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे का निधन 1981 में हुआ। प्रमुख क्रांतिकारी तथा लेखक मन्मथनाथ गुप्त का निधन 2000 में हुआ। वायरल खबर में आज बात होगी सोलर पंप के लिए लगने वाले अतिरिक्त शुल्क के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे सोलर पंप के लिए लगने वाले अतिरिक्त शुल्क के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत जारी अनुमोदन पत्र में सोलर पंप लगाने के लिए कानूनी शुल्क के रूप में 5,600 रुपये और अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क के रूप में 5,000 रुपये की मांग की गई है। PIB ने आगे लिखा है कि यह अनुमोदन पत्र फेक है, यह अनुमोदन पत्र जारी नहीं किया गया है। YouTube ने की नए फीचर्स और डिज़ाइन एलिमेंट्स के रिलीज़ की घोषणा। YouTube ने यह घोषणा की है कि वह नए डिज़ाइन एलिमेंट्स और प्रोडक्ट फीचर्स को रिलीज़ कर रहा है, जिसमें यूज़र्स को YouTube के इस्तेमाल के अपने अनुभव को बढ़ाने में मदद करेगा, जिसमें वीडियो के जूम इन और जूम आउट के ऑप्शन शामिल हैं। यह iOS सहित एंड्रॉयड सभी में ये ऑप्शन मौजूद होगा। इसको लेकर कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि आज से हम एक नया रूप और कई फीचर्स पेश कर रहे हैं, जो उपयोगकर्ता को वीडियो देखने के तरीके में सुधार करते हुए अधिक आधुनिक और इमर्सिव अनुभव प्रदान करेगा। इस जिले की हवा हुई बेहद खराब। दिवाली के बाद प्रदेश की हवा दमघोटू हो गई है। बिहार में कई जगहों पर प्रदूषण स्तर दिवाली की अगली शाम बढ़ा हुआ पाया गया। बात अगर बीते दिन शाम 6 बजे तक की करें तो बीते दिन 25 अक्टूबर शाम 6 बजे के वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI के मुताबिक सिवान सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा। इससे एक दिन पहले बेगूसराय शहर की हवा सबसे प्रदूषित थी। वहीं राजधानी पटना के दानापुर DRM ऑफिस में 205 और बेतिया में 197 AQI है। बेगूसराय में दिवाली की रात AQI 300 के पार बहुत खराब स्थिति में पहुंच गया था। हालांकि सुबह आसमान साफ होने की वजह से प्रदूषण कम हुआ और बीते दिन शाम AQI 150 के नीचे पहुंच गया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब मैं कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राकेश शर्मा, राजीव कुमार, रविशंकर, रविंद्र पासवान, धरणीधर शर्मा, अनवर करीम खान, मृत्युंजय कुमार, कुलदीप कुमार, शमशाद आलम, दिनेश राय, रंजित मिश्रा, भान प्रकाश मौर्य, कविता कुमारी, रोहित आहिर और सरिता पासवान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को सुलझाने में साइबर थाना लोगों के लिए कितना मददगार साबित हो पाएगा। अपना जवाब मैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।